वेलकम टू माय चैनल लाइफ अचीवी सरोज। आज हमारे घर में है बर्थडे पार्टी। मेरे भाई का बर्थडे है और बर्थडे में तो केक होता ही है। लॉकडाउन के समय में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो फिर घर में हम होममेड केक कैसे बनाएं वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रूट के बेस के लिए जो प्रीमिक्स होता है वो हम मार्केट से ले आए थे। इस प्रीमिक्स को करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के और 2 चम्मच खाने का ऑयल मिला के उसे हम बड़े बर्तन में लगा देंगे और 40 मिनट्स के बाद, आफ्टर 40 मिनट्स, वो इस तरीके का हमारा बेस रेडी हो जाएगा। अगर आप इसे ओवन में लगाते हो तो उसे आप दूसरे साइड में, हम आइसिंग के लिए हमारी क्रीम रेडी करेंगे। तो ये हमारी आइसिंग के लिए क्रीम है और ये हमारी आइसिंग के लिए क्रीम है। इसे हमें बीटर मशीन से बीट कर लेना है, अच्छे तरीके से इसे हम बीट कर लेंगे। दूसरे साइड में जब तक हम इसे बीट करते हैं तब तक दूसरे साइड में हमारा जो बेस रेडी हो गया था उसको हम 3 लेयर में इस तरीके से नाइफ से काट लेंगे। नाइफ से आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद थ्रेड का यूज़ करके हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। नाइफ से काटने के बाद हम एक एक पार्ट्स को इस तरीके से थ्रेड की हेल्प से उसे हम अलग कर देंगे और हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेयर इस तरीके से रेडी हो जाएगी। ये फर्स्ट लेयर थी, उसी तरीके से हम सेकेंड लेयर को भी काट लेंगे और हमारी 3 लेयर यहाँ पे रेडी हो जाएगी। दूसरे साइड में हम बीटर मशीन से हमारे क्रीम को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो बीट होने के बाद वो क्रीम हमारी रेडी हो जाती है आइसिंग बनाने के लिए। अब हमें थोड़ा सा शुगर सिरप रेडी करना है। 1 कटोरी में थोड़ा सा वाटर लेके उसमें हम शुगर डाल के शुगर सिरप रेडी कर लेंगे और हमें बनाना है फ्रूट केक। तो हमने बहुत सारे फ्रूट्स काट लिए हैं, जो भी फ्रूट्स आपके पास है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। थोड़े से फ्रूट में आपको करना क्या है कि उसमें थोड़ा सा वाटर और शुगर मिला के इस तरीके से मिला लेना था। अब हम रेडी करेंगे हमारा बेस। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी क्रीम लेके उसके ऊपर पहली लेयर इस तरीके से रखनी है। उसके ऊपर हमें लगाना है शुगर सिरप जो हमने रेडी कर लिया था इस तरीके से। शुगर सिरप लगाने के बाद हमें उसके ऊपर डालनी है क्रीम और क्रीम से हम उसे अच्छी तरीके से आइस कर लेंगे, आइसिंग कर लेंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से हमें उसे आइसिंग कर लेनी है। करेंगे क्या कि जो हमारी पहली लेयर रेडी हो गई है उसके ऊपर हमने जो शुगर में मिला के रखे थे फ्रूट्स, उस फ्रूट की पूरी तरह से अच्छे तरीके से 1 लेयर उसके ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से हम 1 लेयर उसके ऊपर लगा देंगे। फ्रूट की लेयर लगाने के बाद हमारे पास जो और फ्रूट्स हैं, जैसे कि मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, इस तरीके के जो भी फ्रूट्स हैं जो शुगर में हमने नहीं मिलाए थे, ऐसे ही काट के रखे थे, उसका भी हम उसके ऊपर 1-1 लेयर लगा देंगे।
फिर हमें उसके बाद करना क्या है कि हमने जो काट के रखी थी सेकेंड लेयर केक की, उसे भी उसके ऊपर रखना है। फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम डेकोर करेंगे सेकेंड लेयर को, एडजस्ट करेंगे सेकेंड लेयर को, उसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप लगाने के बाद फिर से हम उसके ऊपर क्रीम से आइसिंग करेंगे और फिर उसके बाद फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे। और फिर इसी तरीके से हमारी तीनों लेयर कंप्लीट हो जाएगी, हमारा आइसिंग भी कंप्लीट होते जाएगा और हमारा केक मैक्सिमम रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम रेडी, अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा काम बाकी है हमारा, वो है डेकोर का। तो हम नोज़ल की हेल्प से कर लेंगे डेकोर, तो उसके ऊपर निकालेंगे कुछ फ्लावर्स और बाकी का डेकोर हम करेंगे फ्रूट से, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट केक। तो इस तरीके से हम फ्लावर्स निकाल लेंगे और बाकी का पूरा डेकोर हम करेंगे फ्रूट से, ताकि हमें लगना चाहिए कि ये फ्रूट केक है। रेडी हो गया है हमारा फ्रूट केक, जो पूरे तरीके से बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगने वाला है। और अब हम करेंगे सेलिब्रेशन बर्थडे का, तो लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो के साथ एंजॉय कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय द पार्टी।